तो पूना और पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे बेरियाट्रिक सेंटर है, उन्हें छोड़कर आपने हमारा ही बेरियाट्रिक सेंटर क्यों चुना? आपके सेंटर की काफ़ी तारीफ सुनी थी मैंने, और यहाँ आने से पहले मैंने काफ़ी जानकारी निकाली आपके सेंटर के बारे में। तो सर्विसेज जो यहाँ पे दी जाती है वो भी पूना से बेहतर है, और सबसे बड़ी बात जो है तो इकोनॉमिक बहुत है। हमारे पूना बॉम्बे शहरों में यही ऑपरेशन जिस रकम पे होती है उससे आधे से भी कम में यहाँ पर आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। काफ़ी बड़ा फर्क है, कम थोड़ा फर्क नहीं है, अमाउंट का बहुत बड़ा फर्क है। और सपोर्टिंग स्टाफ और फैसिलिटी के बारे में? बेहतरीन बेहतरीन, मेरे पास में तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है। और सर मोहित सर के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मोहित सर के बारे में अपने दिल से अगर मैं कुछ बोलना चाहूँगा तो ये कि मैं एक बड़े शहर में रहता हूँ, तो आजकल के जो भी डॉक्टर हम देखते हैं और हॉस्पिटलों में जो भी सब देखते हैं कामकाज, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे जैसे व्यक्ति का डॉक्टरों पे से और हॉस्पिटल पे से विश्वास उठता जा रहा था एक तरीके से। हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है कोई बड़ी सर्जरी के लिए या बड़े काम के लिए, डर सा लगता था मन में। तो वो सारा डर मोहित सर से मिलने के बाद, उनको देखने के बाद, उनसे बात करने के बाद, उनका व्यवहार देखने के बाद, वो पूरा मन से मेरा डर निकल गया है। सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो ये हुई है कि डॉक्टरों पर से जो मेरा विश्वास उठता जा रहा था किसी कारणों से, तो वो फिर से मोहित सर की वजह से मुझे आज फिर से वो प्राप्त हुआ है। और सर ये जो हमारे जो सेंटर के सपोर्टिंग स्टाफ है और जो यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, मेरे पास में शब्द नहीं है इसके बारे में तारीफ करने के लिए। और मैं ये बहुत जानकर बहुत हैरान हूँ कि ऊपर से लेके नीचे तक का स्टाफ, मैंने आज तक इतना टॉप लेवल से लेके तो फोर्थ कैटेगरी तक का भी जो आपका स्टाफ है, जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं पेशेंट्स के साथ में, अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। इतना बढ़िया तो मैं सोच भी नहीं सकता कि कहीं भी किसी भी शहर में होगा। अब मैं ये, मुझे बहुत बड़ा ताज्जुब है कि ये कैसे पॉसिबल है, कि ये चमत्कार है मेरे लिए। ये मोहित सर, भंडारी सर कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा स्टाफ और इतनी देखरेख अच्छी तरह से करना, अनबिलीवेबल मेरे लिए। अच्छा, आपके मन में ऑपरेशन के पहले निश्चित तौर पर कुछ शंकाएं कुशंकाएं रही होंगी, उनके बारे में आप बताएंगे कुछ? शंकाएं बहुत सी थी, क्योंकि मैंने नेट पर से जानकारी निकाली, अलग अलग डॉक्टरों से बातचीत की थी, तो हरेक का बताने के तरीके में कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही था। कुछ अच्छी बातों को ज़्यादा बताते थे, कुछ बुरी बातों को ज़्यादा बताते थे। प्रोज और कॉन्स हर ऑपरेशन के तो होते ही हैं। तो फिर भी मोहित सर से जब मैंने बात की यहाँ आकर, तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे दिलासा दिया, तो उनकी बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि जो भी होगा ऑपरेशन के बाद देखा जाएगा। वैसे भी तो कभी कभी कुछ चीजों को हमें भगवान पे छोड़ना पड़ता है, परमेश्वर पे छोड़ना पड़ता है। तो अभी मोहित सर ही मेरे लिए मेरे भगवान है, तो मैं आँख बंद करके अपने आप को इनके हवाले कर देता हूँ। जो उनको ठीक लगेगा वो मेरे साथ करेंगे। मैंने तो ये सोच के अपने आप को उनके हवाले कर दिया था। मोहित सर को बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ, दिल से देना चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में बेरियाट्रिक सर्जरी के अंदर सबसे टॉप के डॉक्टर बन जाए, सबसे ज्यादा सर्जरी करने वाले उनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। ये मैं भगवान से